हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास बच्चा पार्टी। बच्चा आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द आर्टिकल दैट वी हैव परफॉर्मड लास्ट इन लास्ट लेक्चर, है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्म किया है। जैसे कि बायोसिमिलर फ्लो की बातें करी हमने, हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे काम किया है, उसके सेंटर पे, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने काम, जिनके लिए हमने काम किया है आज उन्हीं के साथ हमें कुछ बातें करनी है, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपको पता है कि बायोट सेविट्स लॉ को जब आपने पढ़ा तो आपने क्या कहा था कि डीबी स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, जिसमें म्यू नोट अपॉन 4 पाई को आप मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट बोलते थे, और आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये बात आपने मेरे को बताई थी, ठीक है। और इसी बात को बेस बना के मैं आपको पहला न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको एक लेंथ एलिमेंट दिया है डेल्टा एल, जिसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स इनटू आई कैप, डेल्टा एक्स इनटू आई कैप इज प्लेस एट ओरिजिन, ठीक है। और इसमें से इस लेंथ में एलिमेंट में से करंट जो फ्लो कर रहा है वो मैं करंट आपको दे रहा हूं, दैट करंट इज 2 एम्पियर गाइस, ठीक है ना, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको ये बात कही गई है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, y axis at a distance 1 meter, 1 meter from delta l, ठीक है। और मैंने डेल्टा x की वैल्यू भी दे दी आपको, डेल्टा x की वैल्यू मैंने आपको दे दी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको मैंने वैल्यू दे दी। और आपसे ये भी पूछ लिया मैंने कि आप डायरेक्शन भी बता दीजिएगा फील्ड की, also tell me the direction. Tell me the direction of magnetic field produced. Tell me the direction of magnetic field produced. ठीक है ना? जो magnetic field आपका produce होगा उसकी direction भी बता दीजिए। तो किस तरह से काम करेंगे भाई आप? आपको क्या कहा गया है? जो जो बातें आपको कही गई हैं, वो बातें हम पहले आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास है, कौन सी एक्सिस? X एक्सिस। ये है भैया आपकी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, और ये हम मान लेते हैं भाई जेड एक्सिस, मान लिया। अब आप लोगों ने मेरे को क्या बताया कि सर हमने ना एक लेंथ एलिमेंट ओरिजिन पे रखा है, जिसकी लेंथ कितनी है बताए? उसकी लेंथ है भाई डेल्टा एल के बराबर। ये ले लो भाई लेंथ एलिमेंट, मान लो यही है लेंथ एलिमेंट जो आपने ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। देखिए जी, आपने ये एक लेंथ एलिमेंट मान लिया जिसको आपने ओरिजिन पे रखा है, ठीक है ना जी। अब देखो बेटा, इसको आपने क्या कहा है? डेल्टा एल कहा है, आपने कहा है कि दिस इज डेल्टा एल एक्चुअली, ठीक है। आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया है उसको आपने कहा है डेल्टा एल है, डेल्टा एल की वैल्यू भी आपने मेरे को बताई है डेल्टा एक्स इनटू आई कैप, ठीक है। आई कैप की बात समझ के मैं समझ गया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, ये किस एक्सिस के अलोंग है, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I be the amount of current that is flow, ठीक है ना? I है वो current जो इसमें से flow कर रहा है, ठीक है ना? I है वो current. अब आपको magnetic field कहाँ पे निकालना है भाई? Magnetic field निकालना है point P पे, कहाँ पे lie करता है वो? ये देखो जी, यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पे lie करता है, ठीक है? Exactly, ठीक है? ये यहाँ पे lie करता है, जहाँ मैंने आपको show किया है point P, और ये P कितने distance पे lie करता है जी? 1 मीटर डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको क्लियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व करके मेरे को रिजल्ट बता दीजिए क्या होगा। देखो बच्चा, आपको क्या कहा गया, अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट का यूज करूं, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करूं, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चा लोग 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू होती है बेटा उसकी, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान रखें इस वैल्यू को, न्यूमेरिकली जब भी आपको यूज करना पड़े आप डायरेक्ट यूज करके चलिए,
ठीक है। करंट मैंने आपको दे ही रखा है, करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप यहां पे डीएल साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या? ना, थीटा तो आपको दिया ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना। तो डीएल और आर के बीच एंगल देख लो, आपको डायरेक्शन पूछिए ना, तो डायरेक्शन पूछिए तो डायरेक्शन के तरीके से काम कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। कैसे कि मैं डीबी को ऐसे लिख सकता हूं, डीबी इज इक्वल टू यू नोट अपॉन 4 पाए, ये तो कॉन्स्टेंट है भाई, आई डी एल क्रॉस आर और डिवाइड बाय आर की क्यूब। वेक्टर फॉर्म में तो ये बनता है, फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल बनता है जी। चलो जी, तो फिर मेरे पास यहाँ पे डीएल की वैल्यू है, डीएल की वैल्यू कितनी है, डीएल वेक्टर की वैल्यू है डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, सही है कि नहीं है, बिल्कुल। और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मैंने आपको दे रखी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ 10^-2 मीटर और इंटू आई कैप, सही है कि नहीं है। डेल्टा एक्स मेरा था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया 10^-2 मीटर ना, ठीक है जी। अब बताओ आर कितना दिया था आपको, आर कहा था कि 1 मीटर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो यानी कि आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस 1 × j कैप, ये आपके पास क्या आ गया आर वेक्टर, ये आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है, पुट कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चलो कोई बात नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई, आई की वैल्यू कितनी है जी, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, डीएल, डीएल की वैल्यू कितनी है भाई 10^-2 आई कैप, और आर की कितनी है जे कैप, 1 j कैप और डिवाइड बाय आर की क्यूब, ठीक है, आर, आर की वैल्यू कितनी थी 1 की क्यूब कर दो, ठीक है। तो db इज इक्वल टू बन गया जी आपके पास 10^-7 इंटू 2 इंटू 10^-2 इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप होता है बेटा के कैप के इक्वल, तो ये बन गया बेटा 2 × 10^-9 और इंटू के कैप, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, कौन सी, जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी। दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ही ज्यादा पंगा रहता है, तो डायरेक्शन को आप बहुत ही अच्छे से कवर करके चले, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें डायरेक्शन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाएगी, प्लीज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस जिसको समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल मुझे मैसेज भेज दो तब तक कि हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, मैसेज आया मेरे पास किसी का, बिल्कुल मेरे पास 5 मैसेजेस आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुरलीन, सैनी, गीतांक्षी, अच्छा जी, और किरणदीप कौर का, जानवी सहोता, आश्रय, मंजोत, इमनंदन और संदल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो बच्चा, ये न्यूमेरिकल था जो हमने एक तरीका थोड़ा हल्का सा एक वे यूज किया जिसमें हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करी। अब देखिए बच्चा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस तरह का बनाएंगे, उसमें डायरेक्शन का बड़ा रोल रखूंगा मैं, है ना, उसमें डायरेक्शन का बहुत अच्छा रोल मैं लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके चलूंगा यहाँ पे, है ना, देखिए हम सेकंड न्यूमेरिकल लेके आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके आ रहे हैं,
देखिए किस तरह का न्यूमेरिकल है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं लेके आऊंगा, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आते होते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। मैं कहता हूं कि एक करंट है मेरे पास 10 एम्पियर का, एक मेरे पास है 10 एम्पियर का करंट, ठीक है जी। मेरे पास करंट है 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट है, ठीक है। और उसका जो फ्लो है ना, उसका फ्लो है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है उसका, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको क्या कहा गया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किस किस तरह से, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर नॉर्थ आपको फाइंड बी एट 10 सेंटीमीटर नॉर्थ आपको दिया गया है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ है ना, अच्छा जी, और 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम वायर, साउथ फ्रॉम वायर, 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम वायर एंड इन ए वर्टिकल प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एंड 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ठीक है भाई, वर्टिकल प्लेन डाउनवर्ड्स, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड्स एंड 50 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, 50 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, देख लेता हूं किसका मैसेज आया है। डन गुरलीन कौर, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, मैंने क्या लिया, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का मैंने करंट लिया है बेटा, ठीक है, जिसका फ्लो जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, जिसका फ्लो जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि मेरे पास है ये चार डायरेक्शंस इस तरह से ली जाती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बताइए ना, ठीक है जी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये लीजिए भाई बच्चा, ये होगी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है जी। अब देखिए इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब आपका कैसा कंडक्टर है ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आपको दे रखा था, और लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ होती है इनफाइनाइट, उसके लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैं बात करूं, ठीक है, जो स्ट्रेट कंडक्टर है मेरा, और उसके लिए अगर हम बात करें तो किस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है उसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, ठीक है, यही बनता है। इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास हो तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उसके लिए बनता है कॉन्सेप्ट म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r, ठीक है, अच्छा जी। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है जी, 10^-7, आई कितना है जी, आई है 10 और डिस्टेंस अब अलग अलग दी है। अब इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, तो ये ईस्ट वेस्ट और ये आपका नॉर्थ, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हाइट पे दे रखा है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, ठीक है जी। तो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ आपको दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10, तो 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया आपका 2×10^-5, ठीक है, 2×10^-5, ठीक है। तो इसमें इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी, इसमें आपका जो फर्स्ट 10 सेंटीमीटर नॉर्थ आपको दे रखा है, तो इसकी डायरेक्शन कहां बनेगी, इसकी डायरेक्शन बनेगी डीएल और आर, डीएल के बाद आर, ठीक है, डीएल है आपके पास ये, इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग डायरेक्शन ले लीजिए उसकी, और आर है आपके पास ये, देखिए कर लो फिंगर, देखिए राइट हैंड की ये फिंगर्स आप इस डायरेक्शन में रखें, और आर देखिए कहां है, आर ऊपर की तरफ है, तो थंब आपका कहां जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट हैंड कर्ल रूल से देख लेना बेटा इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बनेगी इसकी, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसने कहा कि 20 सेंटीमीटर साउथ, साउथ बनेगा 20 सेंटीमीटर है तो इसका 2 टाइम्स है,
टू टाइम्स है तो इसका वैल्यू आपके पास आ जाना चाहिए। इसका वैल्यू आएगा भाई टू टाइम्स हो गया तो ये 10^-5 और ये वर्टिकली अपवर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से इसकी वैल्यू अलग अलग डिस्टेंसेस पे आप इस फॉर्मूला की हेल्प से वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट क्या होता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कि आपका आप अगर आपको कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा हो ना, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा हो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4π2i/r। अगर आपको दे रखा हो सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना, अगर आपको सेमी इनफाइनाइट दे रखा हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4π2i/r, सॉरी 2i कीजिए, सीधा i बाई आर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखे चले। ठीक है, अब देखो आपको क्या और बातें हैं जो यहां पे न्यूमेरिकल करते टाइम याद रखनी। चलो देखो मैं बात, देखो मान लो कि आपको एक कंप्लीट सर्कल दे रखा है और उस कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे आपके पास वैल्यू कितनी आती है भाई। मैं अगर आपको एक सर्कल दे दूं भाई, सर्कल कितने डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, ये मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, ठीक है ना, कंप्लीट सर्कल है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, ये आई करंट फ्लो कर रहा है और हमने इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, मतलब मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर के इक्वल है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, बताओ कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, यही आता है ना इसके सेंटर पे, यही आता है इसके सेंटर पे। तो ये है कंप्लीट सर्कल के लिए। अगर आपके पास आ जाए हाफ सर्कल तो फिर आप कैसे काम करेंगे, मान लीजिए आपके पास आ गया हाफ सर्कल, हाफ अगर सर्कल आ गया तो, हाफ सर्कुलर कोई लागे तो आपके मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लो, म्यू नॉट आई बाई 4r। अगर आपके पास क्वार्टर आ गया तो, क्वार्टर सर्कल आ गया तो 1/4 कर लो उसका, तो म्यू नॉट आई बाई 8r क्वार्टर आ गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, मान लो कि आप कहते हो कि सर जी ये पूरा जब सर्कल बनता है ना तो एंगल बनता है कितना, 2π का एंगल बनता है, चलो इसमें इस सर्कल में एंगल कितना बनेगा, 2π का एंगल बनेगा, तो 2π पूरी रोटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, पूरी रोटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट आई बाई 2r, बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल। तो 1 के लिए कितना, 1, 2π क्या होता है, रेडियन होता है, तो 1 रेडियन के लिए कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बाई 2^4πr, सही है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर आपके पास थीटा रेडियन हो तो म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू क्या, थीटा। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, ये बात तो सही है ना भाई, आपको ये तो बात बता दी मैंने कि भाई हाँ जी ऐसे काम करना है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता चला हुआ आपको कि अब तक न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है इसमें। मैं बताता हूँ आपको न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। देखो मान लीजिए आपको ना इस तरह का एक आर्क दे रखा है, एक कोण दे दिया, मान लो ये कोण दे दिया, ठीक है, ये कोण दे के आपको कहा इसमें से ना करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हुआ है और ये जो एंगल है ये बनता है आपके पास मान लो आप 60 डिग्री का, ये एंगल बनता है 60 डिग्री का और इसका रेडियस दे रखा आपको 10 मिलीमीटर आपको इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, 10 मिलीमीटर का आपको रेडियस दे रखा है, मान लो इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है, 10 मिलीमीटर का आपको रेडियस दे रखा है। 10 मिलीमीटर का मतलब होता है जी इसका रेडियस जो हो गया वो हो गया 10^-3 मीटर, यानी कि 10^-2 मीटर, ये आपका रेडियस हो गया, हो गया। तो अब आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना बनेगा, ओपे जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा i = 0.5 एम्पियर के कारण वो कितना होगा, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4πr इनटू थीटा। अब एक बात देखो थीटा किसमें, डिग्री में है ना, तो डिग्री में यूज नहीं करना आपको, आपको रेडियन में यूज करना है, कैसे यूज करोगे रेडियन, 2π रेडियन कितना होता है,
टू पाई रेडियन होता है बच्चा 360 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन कितना हो गया 360 डिग्री बाय 2 पाई, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, आप डिग्री में है ना, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई बाय 360। अब आपके पास कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर रेडियन निकालना है इसका, तो 6 जा और पाई बाय 3, पाई बाय 3 किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 3। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10^-7, आई कितना है 0.5 और थीटा कितना आ गया, कितना आया है पाई बाय 3 ना, तो पाई बाय 3 आया होगा, हां पाई बाय 3। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10^-2, ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, -7 है तो -5 हो गया इनटू 0.5 और इनटू 3.14, ठीक है। तो आप इनकी प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए ये क्या आएगा आपके पास, ठीक है ठीक है, इनकी प्रोडक्ट लेके चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 5^4 = 20, 5^1 = 7, 5^3 = 15, ठीक है। तो 1.57 और इनटू 10^-, यानी कि 1.6 इनटू 10^-5 मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल उसमें क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, आप इस तरह से न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चा, मान लीजिए कि मैं आपको इसी पे बेस होके और न्यूमेरिकल बना के दे देता हूँ, और आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह से आप रिजल्ट मेरे को बताएं, ठीक है। मान लो मैं एक न्यूमेरिकल बना के दे रहा हूँ जो सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, और आप में से मैं देखता हूँ कितने बच्चे उसको ट्राई कर पाते हैं, कितने बच्चे उसको सॉल्व कर पाते हैं, चलो चेक करते हैं आप लोगों को। ये लोग भी बहुत ही आराम से, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख के बताऊंगा आपको। देखो जी, मैंने आपको दे दिया एक सेमी सर्कुलर कॉन, किस तरह का, इस तरह का एक सेमी सर्कुलर कॉन, मान लो मैंने ये दिया आपको, ठीक है ना, ये मैंने दिया और इसमें से मैंने कट मार दी, कैसे कट मारे, यहां पे ऐसे 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 कट मारा यहां पे और एक कट मार दिया यहां पे, और ये बीच नीचे वाला जो हिस्सा है वो उड़ा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से करंट का फ्लो कराया कि ऐसे गया करंट, फिर यहां से ऐसे एंट्री मारी उसने, फिर यहां से ऐसे चला, यहां से ऐसे चला और यहां से उसने एग्जिट मार दिया, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझ गए होगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो एंगल मैंने आपको दिया है, ये जो एंगल मैंने आपको दिया है, ये एंगल मैंने आपको दे दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री ये ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने एक वायर बना दिया जी, वो वायर है आपका यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां पे खत्म होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा है मैं इसको रिमूव नहीं कर सका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, करंट मैंने आपको यहां पे दे दिया, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट मैंने आपको दे दिया जी 60 एम्पियर का, मान लीजिए 60 एम्पियर का करंट यहां से एंट्री मारी और यहां से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बताना है और रेडियस ऑफ द कॉइल मैंने आपको दे रखा है, रेडियस मैंने आपको दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, और फाइंड बी एट ओ, बी एट ओ ओरिजिन पे आपको, ओ फॉर ओरिजिन या इसके सेंटर पे, ओरिजिन मत बोलो इसके, फाइंड बी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अच्छा मेरे पास कुछ आंसर आए हैं क्या, मैं देखता हूं भाई, हां जी फाइंड बी एट सेंटर, हाँ जी कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं बेटा इसका, कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं इसका, गुरलीन सैनी, चलो करो बेटा आंसर करो, ठीक है बेटा ठीक है,
हां जी, कितने बच्चे कर रहे हैं इसको सॉल्व? हमने फॉर्मूला बनाया था B इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और इनटू आर और इनटू आई और इनटू थीटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये कुछ इस तरह की वैल्यू थी, ठीक है भाई मनीषा आप भी सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10^-7, करंट है जी 60 एम्पियर का और रेडियस 2 सेंटीमीटर का, मतलब है 2 × 10^-2, तो ये ऊपर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 30। अब बचता है केवल थीटा, थीटा थीटा की वैल्यू कितनी ले लिया। देखिए बच्चा लोग, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट बना है वो है 3 × 10^-4। अब तक का कॉन्सेप्ट 3 × 10^-4। तो अगर मैं एंगल यहां पे लेता हूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर मैं एंगल लूं तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री कितना होता है 2π/360 और इनटू 90, 9 4 जा यानी कि पाई बाय 2 बनता है मेरे पास, पाई बाय 2 मतलब 3.14/2, तो ये बन गया मेरा 1.57। तो 1.57 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या बनता है, बनता है मेरा, ठीक है, तो 4.71, ठीक है। तो ये आंसर कहीं ना कहीं मेरा गलत आंसर होगा, ठीक है। अगर आप 270 डिग्री लेते हैं तो 270 डिग्री लेता हूं मैं तो 2π/360 × 270, तो फिर मेरा ये बन जाता है 180, 9 × 270, 9 × 3/2 यानी कि 1.5 पाई की वैल्यू होती है भाई 3.14, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कहीं जिस तो नहीं कर रही, मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज करके मैं वैल्यू निकालता हूँ। हाँ जी, और भी बच्चा है कोई साथ साथ चल रहा है मेरे, तो 1.5 × 3.14, 3.14 × 4.71, 4.71 × 3, ठीक है 14.5। हाँ जी, देखो बच्चा मैंने इसका आंसर निकाल दिया, देखो कैसे, देखो भाई आपका ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये तो आउटसाइड एंगल है ना, तो अब आपको एंगल कौन सा देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, और ये एंगल कितना बाकी बचता है 360 पूरा होना चाहिए, तो 270 बाकी बचता है, 270 डिग्री का एंगल बचता। तो यहाँ पे थीटा जो लिखना था मेरे को, वो थीटा लिखना था 270 डिग्री एक्चुअल में किसके बराबर होता है 270 डिग्री, तो आपके पास हो गया भाई 3/2π के इक्वल, ठीक है ना, आपका फॉर्मूला होता है ना 2π/360, इसको डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो 270 से, तो देख लो अब ये कितना बन जाएगा 180, ठीक है, और 93 × 9 × 2 = 3/2π, तो इसकी जगह मेरे को लिखना था भाई 3/2π की वैल्यू होती है बेटा 3.14, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग, ठीक है। तो 3 × 3 × 3.14 को 1. कितना बना था ये 5 और 7, 1.57, 3 × 3 = 9, 9 × 1.57 × 10^-4, तो मेरा जो आंसर बना है वो बना है 9 × 1.57, तो ये बनता है भाई 14.13 × 10^-4, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चा लोग 1.413 × 10^-3 टेस्ला, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, वो भी अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो कैसा न्यूमेरिकल है, देखिए देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गया? जिन जिन को समझ में आ गया प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी मैं काफी अच्छा न्यूमेरिकल बनाने वाला हूं। हाँ जी, मैसेज जिन जिन के आएंगे मैं बता दूंगा किन किन बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरे को इस तरह का सेगमेंट दे रखा है, इस तरह का, हाँ जी इस तरह का सेगमेंट मेरे को गिवन है, और हमको यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं इसने एंगल बना के पजल कर दिया। कैसे पजल कर दिया वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसने ये कह दिया कि अब ना करंट का जो फ्लो है हम लोग ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करंट की एंट्री करवाई है हमने, ठीक है जी। फिर कहता है कि यहाँ पे एंट्री कराई है हमने, ठीक है जी। फिर कहता है यहाँ से एग्जिट कराया हमने, यहाँ से फिर एग्जिट कराया, ठीक है। तो और ये जो है ये इसको हम मान लेते हैं, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये एंगल जो है ये एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी। और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है भाई आई आई और आई, इस सेगमेंट में से फ्लो कर रहा है, केवल इस सेगमेंट में से, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी ए बी और सी और डी, ये ए बी सी डी सेगमेंट हो गया, और ये यहां ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कोई बात नहीं, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दी। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, मैंने बता दिया। वो एंगल बनाता है 60 डिग्री सेंटर पे और करंट है 10 एम्पियर का जो इसमें फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट है जो इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे, सेंटर पे आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता के चलना है। मैं देख लेता हूँ किन किन बच्चों को समझ में आ गया था लास्ट। ये है गुरलीन कौर, मनीषा, मंजोत, गीतांक्षी, गुरलीन सैनी और गुरलीन सैनी, हाँ इन्हें कितने बच्चों को समझ में आया? 20 बच्चे बैठे हैं मेरे यहाँ, बताओ जी, ये तो बात गलत है भाई, ठीक है। अब इसका इसका क्या होना चाहिए, फाइंड आपको करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई। कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बताओ मुझे। देखो बच्चों इसका फॉर्मूला भी हमने सीधा ही बनाया था, B is equal to mu naught upon 4 pi into r into I into theta, है ना। अब इसमें theta तो सीधा ही है ना, इसी के साथ बन रहा है ना, BC के साथ। तो theta की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है, pi by, pi होता है 180, pi by 3, pi by 3 is 60 डिग्री, है ना। तो फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 इज टू पावर माइनस 7, करंट कितना फ्लो कर रहा है 10, और थीटा कितना है पाई बाई 3, और आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2, तो 10 इज टू पावर प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, तो 10 इज टू पावर माइनस 5 इंटू 10 इंटू 3.14 इंटू डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 2, 25 जा 10, है ना, सही है कि नहीं है, 20 आएगा ना, तो 0 से 0 ये कैंसिल, यहां से ऐसे कर देते, ये फिर 10 बच गया और 5 2 जा 10, ठीक है जी। चलो जी अब देखो ये 2 से कैंसिल करेंगे आप, 1.57 आ जाएगा, और ये 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 0.52, तो 0.52 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आया, 10 रेज टू पावर माइनस 5, तो 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, आप इनको हमेशा प्रिपेयर करके रखें, हमेशा अच्छे से लर्न करके भी रखें, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी मत भूलें। अब देखो बच्चा आप क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, और जो आपके बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम बात करना चाहते हैं थोड़ी। कैसे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन बना के दे दे, कैसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है,
मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे, जैसा कि मैं अभी आपको बना के देने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और उसकी मतलब वैल्यूज दे दे। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ उनकी साइड्स वगैरह की, ठीक है, मैं आपको सीधा एक न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो आपको ये दे दे, एक रेक्टेंगुलर लूप दे दिया आपको, रेक्टेंगुलर लूप, इस तरह का एक लूप दे दिया आपको, रेक्टेंगुलर लूप है जी, ठीक है जी, ये लीजिए बच्चा बाटे, ये रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास, ठीक है। देखो फिर, अब रेक्टेंगुलर लूप दे दिया जिसकी लेंथ है एक इक्वल, जिसकी लेंथ है एक इक्वल और जिसकी ब्रेथ है आपके पास बी के, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो करता है आई के इक्वल, ठीक है जी, इसमें करंट फ्लो करता है वो है आई के इक्वल, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चा, ये आपको गिवन है कि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है भाई, आपने क्या कहा कि इसमें से आई करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो आई करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द लूप, इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, पहले तो इनके डायगोनल्स की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, चलो उसके मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताते हैं हम आपको कैसे इसको सॉल्व करके चलोगे आप, ठीक है। देखिए जी, ये आपका बन गया जी, जहां दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो आपका बन गया क्या, सेंटर, और इसी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो यानी कि एक रेक्टेंगुलर आपको लेमिना दे दिया जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके चलना है, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपको फाइनल एग्जाम में फेस करना पड़ जाए तो आप किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस तरह से उसे आप सॉल्व करेंगे। चलो अब रेक्टेंगुलर लेमिना है, अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड तो चार जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक और पीक आपके कॉर्नर्स अगर हम मान ले, ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे फोर आर्म्स हो गई है ना, ये आर्म्स हो गई हमारे पास, अब ऐसे मान लेते हैं इसको पी क्यू आर एस, तो चार आर्म हो गई हमारे पास, फोर आर्म्स हैं पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, तो चारों आर्म्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना बन रहा है वो हमें चेक करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप आर्म आपके पास है पी क्यू फिर क्यू आर, ठीक है, और इस तरह से आपको इनके साथ डील करना है भाई, है ना, यहाँ पे आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पहला, यहाँ पे आप मान लीजिए दूसरा, यहाँ पे आप मान लीजिए तीसरा और यहाँ पे मान लीजिए चौथा, तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो पी क्यू के कारण हो गया, अच्छा ठीक है, और बी टू जो हो गया वो इसके कारण क्यू आर के कारण, और बी थ्री जो हो गया वो हो गया आर एस के कारण और बी फोर, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है ना रिजल्टेंट वो ऐड होता है हमेशा, याद रखना बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, ये आपका रिजल्टेंट बनेगा जी, बनेगा। अब बी वन और बी थ्री तो बराबर है, ठीक है, बी वन और बी थ्री तो दोनों के दोनों बराबर है और बी टू और बी फोर बराबर है, सही है कि नहीं है, है ना, तो बी वन और बी थ्री का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B1 is equal to B3, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है जी आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I by X परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखना होता है, I by X परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखेंगे, ठीक है, I by X और sin phi 1 plus sin phi 2, sin phi 1 plus sin phi 2, ठीक है ना, तो आपका ये स्ट्रेट कंडक्टर, इसके एंगल मान लीजिए, इसका एंगल मान लीजिए अल्फा, अगर ये आपने एंगल अल्फा माना है तो ये भी एंगल कितना रहेगा अल्फा, और ये मान लेते हैं हम किसके इक्वल, बीटा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं बीटा के इक्वल, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, ये हमारा बीटा रहेगा, क्योंकि ये आपने क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो ये बीटा मान लिया, ये अल्फा मान लिया, ठीक है, मान लिया। तो B1 mu not upon 4 by I by perpendicular distance, देखो इसका कितना है, perpendicular distance है इसका यहां से
O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो किसके बराबर है, ये ना ब्रेथ को हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया V by 2, और इसमें एक एंगल आपका बन गया क्या साइन कितना, एक आपके पास मतलब आपको एंगल देखने होते हैं ना, तो कैसे आप एंगल देखते हो तो बताओ, आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका जो एंगल बनेगा वो किस तरह से आपके सामने बनेगा, एक तो बन जाएगा आपका 90 डिग्री पूरा था माइनस अल्फा कर दो, समझने की कोशिश करना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, साइन 90 माइनस अल्फा, और दूसरा भी आपके पास कितना है साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि V1 और V3 का मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है, मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है साइन 90 माइनस अल्फा। देखो बच्चा किस तरह से आप प्रिपेयर करते हो, भाई आपके पास ये है एक स्ट्रेट कंडक्टर है ना, और आपको यहां पे जाके काम करना है ठीक है, तो आपके पास जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं आप बताइए मुझे, आपको अगर याद हो तो आप कहते हो कि सर जी ये एंगल हो गया और आपके पास हो गया ये, तो एंगल कौन सा बनता है भाई, एंगल बनता है ये बनता है, ये बनता है, ये कितना है भाई आपका 90 डिग्री है, ये पूरी ट्रायंगल होगी, ये अब आपको कितना दे रखा है अल्फा, ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये बाकी कितना बच गया भाई 180 होता है ना ट्रायंगल का सम, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया भाई 90 माइनस अल्फा, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया जी। इसी तरह से ये यहाँ पे दे रखा है अल्फा, ये कितना है 90, तो ये बाकी कितना बचा 90 माइनस अल्फा, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90, क्योंकि ये आपको एंगल देखने होगा 51 और 52, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये आपके पास बन गया जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई बी, और ये बन गया जी कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, यानी कि 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा, 2 cos alpha. अब cos alpha, cos क्या होता है? Base upon hypo. Base upon hypo. तो base कौन बनता है? Base बनता है ये वाली line base बनती होती है. तो base कितना बनेगा यहाँ पे? Base ये वाली line, ये perpendicular distance. Perpendicular distance किसके equal था? Perpendicular distance. आपके पास base पूरा का पूरा base क्या बनेगा आपका? 2 cos alpha. ठीक है ना? तो आपके पास base बन जाएगा जी. यहाँ पे 2 cos alpha, तो 2 cos alpha यहाँ पे बेस आपका बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस म्यू नॉट अपॉन 2i, बेस 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 कैसे किसको बनाऊं मैं, बेस बेस इन ट्रायंगल्स में देखो ध्यान से अल्फा बेस, बेस मेरा बनेगा ये वाली साइड जिसके साथ अल्फा होता है और 90 डिग्री होता है, तो ये वाली साइड कितनी होगी a, तो मेरा बेस बन जाएगा ए के लिए, ठीक है, तो यानी कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 आई बाई बी इंटू 2 कोस अल्फा, ठीक है, 2 आई बी, तो यहां से मेरे पास कॉन्सेप्ट बना कोस अल्फा के लिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई बाई बी और इंटू बेस है मेरा ए अपॉन हाइपो, हाइपो की वैल्यू रहेगी मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ठीक है, हालांकि ये सारे के सारे डिवाइड बाय 2 2 आएंगे सारे के सारे, तो इनको अपन 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया बी वन इज इक्वल टू बी थ्री। इसी तरह से बी टू इज इक्वल टू क्या निकाल लो, बी फोर निकाल लो, बी टू इज इक्वल टू बी फोर आपके पास क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए बाय 2 दिस इज 2 आई बाय ए और साइन 90 माइनस बीटा और प्लस साइन 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, ठीक है ना, तो फिर ये कॉस और ये कॉस यानी कि 2 कॉस बीटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए और इनटू 2 cos beta, 2 cos beta, ठीक है ना, तो यहां से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी जी, वैल्यू बन जाएगी जी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i बाय a इनटू 2
इनटू कोस बीटा। अब कोस बीटा किस ट्रायंगल से निकाल ले भाई, कोस बीटा के लिए कौन सी ट्रायंगल बना ले, ये वाली ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम रख दो कोई भी, ए बी ए ओ और ये आर है ही, ए ओ आर। तो ए ओ आर ट्रायंगल बना के देखो यहाँ पे क्या बात बन रही है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया बीटा, ये आ गया ए आर। ए आर किसके इक्वल है, ए आर तो ए बाई टू के इक्वल है, और ये ए ओ, ए ओ किसके इक्वल है, बी बाई टू के इक्वल है, ठीक है ना। और ओ आर किसके इक्वल है, ओ आर होना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और डिवाइड बाई टू, ठीक है जी। तो अब क्या निकालना हमें, कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया ए बाई टू और डिवाइड बाई हाइपो, हाइपो का की वैल्यू कितनी होगी, टू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये बन गया भाई आपका ए अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका म्यू नोट अपॉन फोर पाई, ठीक है, और फोर आई बाई ए, ठीक है जी, और ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे भाई, सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ लेंगे, आप सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, और वही रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो आपको क्या बात याद रखनी चाहिए, मैं आपको वो बात बता देता हूँ, उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि उसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट ले सकते हो, मैं इसके बाद इरेज करने वाला हूं उसको। ये लो जी, देखो भाई बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो लॉजिक ये है कि स्टेट कंडक्टर को याद रखो। स्टेट कंडक्टर में से जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है आई के बराबर, मान लिया, और आपको यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काम करना है, मान लीजिए एक्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पे आपको काम करना है, एक्स पे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एंड पॉइंट्स के एंगल आपको देखने होते हैं जी, ये यहां से देखने होते हैं एंड पॉइंट के एंगल, ये बात याद रखना, यहां से देखने होते हैं, कहां से, यहां से। ये देखो ये एंगल आपका मान लो फाइव वन है, और ये एंगल है भाई फाइव टू, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे ओ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो हमेशा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स और साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये उसका फॉर्मूला होता है बच्चा पढ़ते, बस ये अगर आपको याद है ना, तो आपको चाहे कैसी भी ज्योमेट्री अगला बना के बना दे दे, आप बहुत इजीली उससे डील कर जाओगे, बहुत इजीली आप उससे डील कर जाओगे बेचारो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं अटेंडेंस में मार्क कर देता हूं, ठीक है। आकर्षण वालिया, आश्रय, आकृति, गीताक्षी, गुरलीन कौर 12A, गुरलीन सैनी, हमराज, जानवी सहोता, मनीषा, मंजोत, मंजोत दोनों क्लासेस की हैं, मंजू भी है, साहिल प्रीत सिंह भी है और संदल भी है, ठीक है। तो इन बच्चों की मैंने अटेंडेंस लगा दी, अगर बाय द वे किसी बच्चे की अटेंडेंस रहती हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो कल से जो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, तो प्लीज आप बहुत ज्यादा अटेंटिव रह के क्लासेस अटेंड करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अब लास्ट टाइम है और इस लास्ट टाइम में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू बच्चा पार्टी। स्कूल हो रहे हैं भाई मंडे से आपके ओपन, सभी के मंडे से ओपन हो रहे हैं बच्चा, ठीक है।